हेलो एवरीवन, मैं रामजीत द्विवेदी आज आपके लिए लेकर आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक टॉपिक और उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताने से पहले इसके नामों पर विचार करते हैं कि क्यों इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, क्यों इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, या क्या कारण है जिसे इसे सिंधु या सरस्वती घाटियों की सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो सबसे पहले इसके नामों पर चर्चा करते हुए हम हड़प्पा सभ्यता पर बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा शहर की रूप में ये सभ्यता सामने आई और हड़प्पा इसका पहला जो आविष्कारक नगर था या क्षेत्र था, जिसके कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। वहीं अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि इसके प्रारंभिक स्थलों की जो खोज हुई वो सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और वहीं सिंधु सरस्वती सभ्यता से तात्पर्य है, बाद में जब क्षेत्रों के और ज़्यादा खुदाई बढ़ी, इसका दायरा बढ़ा, तो देखा गया कि सिंधु सभ्यता से अलग, मतलब सिंधु घाटी और सिंधु नदी से अलग, सरस्वती नदी के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों की हमें मौजूदगी पता चली, जिसके कारण हम इसे सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इस नामांकन के बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण पर बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण का सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल ने सन 1931 में किया और उन्होंने इसका समय पीरियड 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व बताया। वहीं अगर हम फेयर सर्विस की बात करें तो उसने 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के आसपास का आकलन किया। लेकिन C14 जो मॉडर्न टेक्निक है उसके अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड निकलता है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व निकलता है, जो अभी सर्वाधिक मान्य है। इस प्रकार हम देखेंगे कि 1921 के बाद हमारा भारतीय इतिहास, जो पहले वैदिक काल से पढ़ा जाता था, अब आगे सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ा जाने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता के इस काल निर्धारण के बाद हम इसके विस्तार पर बात करें तो इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है। जैसा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, ये एक त्रिकोण का, अगर इसकी आकृति की बात करें तो एक त्रिभुजाकार आकृति बनाएगा। अभी 350 से ज़्यादा स्थलों की खोज हो चुकी है और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, दैमाबाद इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम चारों क्षेत्र की बात करें कि उत्तरी क्षेत्र में जो मांडा है, चिनाब नदी अखनूर जिले जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहीं दक्षिणी हिस्सा इसका दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है। पूर्वी हिस्से की बात करें तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के पास हिंडन नदी के किनारे मेरठ के पास पड़ता है। वहीं पश्चिमी हिस्सा सुपकागिन डोर जो दाश्क नदी के किनारे पड़ता है, जिसकी खोज आर्लस्टाइन ने 1927 में की थी, हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार एक बृहद क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मौजूद था। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बाद हम अगर इनकी प्रजाति विशेषता पर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में चार प्रमुख प्रजातियां निवास करती थी, जिन्हें हम प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलियाइड, भूमध्य सागरी और अल्पाइन के रूप में बांट सकते हैं। इसमें सर्वाधिक प्रमुख जो प्रजाति थी वो भूमध्य सागरी थी, जिन्हें इनका निर्माता माना गया। अब हम उस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे या द्रविड़ थे। इसके बाद आप सिंधु घाटी सभ्यता के अगर प्रमुख स्थलों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा, जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिले में पड़ता है, रावी नदी के बाएं तट पर। इसकी सर्वप्रथम जानकारी हमें 1826 में चार्ल्स मैरिसन के द्वारा प्राप्त हुई, जब वहाँ पर रेलवे का कोई कार्य चल रहा था। ब्राउटन बंडिया रेलवे, ब्राउटन बंद जो थे वो रेलवे की पटरियां बिछा रहे थे, तो वहाँ पता चला कि ऐसी कोई प्राचीन सभ्यता के से विकसित है, जहाँ कई टीपों से लोग ईंटें निकाल करके अपने घर वार बनवाया करते थे। फिर आगे चलकर अलेक्जेंडर कलिंगम ने इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला,
किंतु 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा पर विस्तृत प्रकाश डाला। इसके बाद माधव सरोवर और अर्नेस्ट मैकी ने इसका बृहद और विस्तृत उत्खनन करवाया। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हड़प्पा सभ्यता में आप देखेंगे, खासकर जब इस स्थल की खोज हुई, तो इस स्थल से कई चीज़ें सामने निकल कर आई। जैसा ये हड़प्पा दो टीलों में विभक्त था, एक को पश्चिमी टीला और एक को पूर्वी टीला कहते थे। पश्चिमी टीला बेसिकली दुर्ग टीला था और जो पूर्वी टीला था वो शहरी निवास के संदर्भ में जाना जाता था। जो पश्चिमी टीला या दुर्ग टीला था उसे गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर माउंट एबी की संज्ञा देते हैं। हड़प्पा से हमें कब्रिस्तान R-37 का भी प्रमाण मिलता है। हड़प्पा से ही हमें विकसित सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। हड़प्पा के अगर अवशेषों की बात करें तो हड़प्पा से हमें एक बर्तन पे शंख का बना चिन्ह मिलता है। हड़प्पा से एक अंकन मिलता है जिस पे पृथ्वी की उर्वरता देवी की पूजा करते हुए बताया जाता है। इसी प्रकार हड़प्पा से सर्वाधिक अभिलेखी युक्त मुद्राएं भी हमें प्राप्त होती हैं। हड़प्पा के बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है इस सभ्यता का, वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी और मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत में सिंध नदी के किनारे पड़ता है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ मतकों का टीला या जो आप कहें मुर्दों का, जिसे शहर कहा जाता था, इस प्रकार की जो उपाधियां थे इससे इसे विभूषित किया जाता था। इसे सिंध का नकली स्थान और कई चीज़ों से संबोधित किया जाता था। मोहनजोदाड़ो में आप देखेंगे कि जो शासन व्यवस्था है वो राजतंत्रात्मक ना हो करके जनतंत्रात्मक प्रतीत होती है और यहाँ का जो नगरी हिस्सा है वो भी हड़प्पा जैसे ही क्षेत्रों में बटा हुआ है, अर्थात पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला और पूर्वी टीले को नगर टीले के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ सबसे आश्चर्यजनक जो चीज़ प्राप्त हुई वो विशाल स्नानागार, जिसे सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा। इस विशाल स्नानागार का अगर हम विस्तार देखें तो इसकी लंबाई लगभग 11 मीटर और चौड़ाई लगभग आप देखेंगे तो 7 मीटर के आसपास पहुंचती है। वहीं सीढ़ियों से इस पे नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं जो 2.43 मीटर के लगभग दक्षिणी हिस्से पर बनी हैं। वहीं मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा जो इमारत है वो अन्नागार है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत होने का दर्जा भी प्राप्त करती है। मोहनजोदाड़ो से हमें योगी की प्रतिमा और कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति भी प्राप्त हुई है। यहाँ से कपास के एक कपड़े पर अंकन का साक्ष्य भी मिलता है। मोहनजोदाड़ो से आप देखेंगे तो एक बहुत बृहद स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, वो मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के कई प्रमुख स्थल हैं, उनमें से चंदूदाड़ो, बनावली, राखीगढ़ी, धौलावीरा, ऐसे कई क्षेत्रों पे हैं जिन पे हम चर्चा ना करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर आप प्रमुख विशेषताओं में देखेंगे तो प्रमुख विशेषताओं में उसके नगर नियोजन से लेकर के जल निकासी पद्धति से लेकर के कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार आप देखेंगे कि गॉर्डन चाइल्ड महोदय ने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति भी कहा है। इसके नगरी नियोजन या शहरी नियोजन पर बात करें तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर विन्यास था काफ़ी ज़्यादा नियोजित था। सड़कें प्रॉपर बनी हुई थी, जो सड़कों के किनारे घर बने हुए थे उनका भी एक निश्चित आकार था, वो कई बार एक मंजिला और दो मंजिला के रूम में भी मिलते थे।
और वो सड़कों का जो मेन हिस्सा जाता था और जो घर बने होते थे उनका मुख्य द्वार मुख्य सड़कों पर ना खुल करके गलियों में खुलता था, और वहीं जो घर बने हुआ करते थे तो अक्सर पक्की ईंटों के बनाए जाया करते थे। इन घरों में एक आंगन होता था, रसोई होता था खुद का, और कई कक्ष बने हुआ करते थे। इसके साथ ही कुएं के भी अवशेष हमें कई घरों से मिलते हैं। लोथल एकमात्र अपवाद है जहाँ के घरों का जो द्वार है वो मुख्य सड़कों पर खुलते थे, ना कि गलियों में। इसके अलावा इनके घर के जो जल निकासी प्रणाली थी वो मोरियों द्वारा सड़क पे मेन नालियों से मिलती थी, नालियाँ मेन होल से मिलती थी, और इसी प्रकार जो गंदा जल था उसके निकासी की बृहद अच्छी व्यवस्था की गई थी। इन नालियों को परकोटों से ढका जाया करता था, और एक विशिष्ट सिस्टम जल निकासी का प्रणाली इस समय मौजूद था जो अन्य समकालीन सभ्यताएं, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, या सुमेरियन सभ्यता हो, कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश बॉन्ड प्रकार के भवन निर्माण में प्रयोग किया गया है, एल प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कई फर्शों का जो अंकन हमें अलंकृत ईंटों से मिलता है, जैसे चंदोदाड़ो, और यहाँ पर ईंटों का जो अनुपात है वो 4:2:1 के रूप में मिलता है। सड़कें जो थी समकोण पर आपस को काटती थी, आपस में काटती थी, और ये एक ग्रिड सिस्टम के तहत बनी हुई थी। इसके अलावा अगर सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता बेसिकली हमें देखने को मिलेगा कि मातृ देवी की उपासना करती थी। इसके साथ ही पशुपतिनाथ इनके प्रमुख देवता के रूप में भी पूजे जाते थे। वहीं प्रकृति पूजा से भी इनका अगाध प्रेम था, जैसा कि आप देखेंगे कि एक अंकन में उर्वरता देवी पृथ्वी की पूजा की जा रही है, और योगी ध्यानरत जो मुद्रा मिली है उसमें भी हमें इनके धार्मिक जीवन के संदर्भ में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक श्रृंगी पशु की भी बहुत ज़्यादा पूजा इसमें की जाती थी। धार्मिक जीवन के बाद अगर हम इनके सामाजिक जीवन पर बात करें तो इनका सामाजिक जीवन आप देखेंगे कि मात्र सत्तात्मक परिवार था। मात्र सत्तात्मक परिवार के बाद अगर हम इनके वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था पर देखें तो हमें कोई विशेष वर्गीकरण नहीं देखने को मिलेगा, किंतु पुरोहित, सामान्य जन और योद्धा जन के प्रकार हमें देखने को मिल जाएंगे। कुछ कुशल जो शिल्पी वर्ग था, इस प्रकार का विभाजन हमें देखने को मिल जाएगा। इनके खान पान के संदर्भ में देखेंगे तो कई प्रकार के शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार का भोजन उपलब्ध था। आप देखेंगे कि सरसों, जौ, राई, तरबूज और इस प्रकार के कई अन्न और सब्जियों का हमें उल्लेख मिल जाता है कि प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के वासी करते थे। वहीं व्यापार के संदर्भ में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार बहुत उन्नत दशा में था। ये स्थल, थर्ग और जली, यहाँ तक कि विदेशी व्यापार भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल में जो बंदरगाह मिलता है, जिसे गोदीवाड़ कहते हैं, वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच भी व्यापार होता था। दिलुमन, जिसे बहरीन के नाम से संबोधित किया जाता था, कई महत्वपूर्ण बिंदु थे जहाँ से व्यापार ये संपादित होता था, और ये व्यापार बहुत उन्नत दशा में मौजूद था। यहाँ के कुशल श्रमिकी जो श्रमिक वर्ग थे और जो शिल्पी वर्ग थे वो अपने व्यापार को और काफ़ी ज़्यादा आगे ले जा रहे थे, चाहे वो मन के बनाने के कारखाने हों या इसी प्रकार के कई अन्य वस्तुओं की डिमांड हो। इसके बाद हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ वो कई बार इस सभ्यता के आकस्मिक पतन की ओर हमें इशारा करता है, और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संदर्भ में भी कई जो इतिहासकार हैं वो एकमत नहीं है। जैसे कि कई इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को बाह्य आक्रमण और आर्यों के आक्रमण के संदर्भ में संबोधित करते हैं, इसमें विशेषकर गार्डन चाइल्ड और मार्टीवल वीडर हैं। वहीं कई इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ से मानते हैं, उसमें आपके आर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल और एसआर राव जैसे इतिहासकार हैं। वहीं के आर कैनेडी महामारी के संदर्भ में इसका विवरण करते हैं। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर भी एक मत नहीं है इतिहासकार, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो अभी भी कई बार विवाद के पहलुओं से ग्रसित हो जाता है।
सिंधु घाटी सभ्यता अपनी कई समकालीन सभ्यताओं जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता से कई प्रकार की साम्यता रखता थी। जैसे हम सुमेरियन सभ्यता की बात करें तो सुमेरियन सभ्यता वो पहली सभ्यता थी जहाँ पर लिपि का आविष्कार किया गया था, और लिपि के बाद सुमेरियन सभ्यता इकलौती सभ्यता थी जिसके पास लिपि थी, उसके पास लेखन जो कला शैली थी उसका विकास हुआ। वहीं मेसोपोटामिया सभ्यता जो वर्तमान में इराक दजला फरात की दो नदियों के क्षेत्र से थे, उससे भी सिंधु सभ्यता का जो था घनिष्ठ संबंध था, और मिस्र की सभ्यता से भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक घनिष्ठ संबंध था। ये समकालीन सभ्यताएं एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती थी, चाहे वो व्यापार के संदर्भ में हो, चाहे वो अपने कई विशिष्ट संयोजन नियोजन से या अपनी उपलब्धियों से एक दूसरी सभ्यताओं को प्रभावित करने से हो। यहाँ पर नवीनतम खोजों की बात करना अग्रसर होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता में निकल कर आ रही हैं, जैसा कि आईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों, खासकर जियोफिजिक्स और कई जियोलॉजिकल वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो वर्तमान कालखंड है वो 8000 ईसा पूर्व से भी ज़्यादा प्राचीन माना जा सकता है। ऐसी खोज के आधार पर वो जो प्राप्त पोएट्री और कई चीज़ों को सामने लाकर रखते हैं। हम अभी ज़्यादा इस पर बात ना करते हुए आगे अन्य खोजों पर ध्यान देंगे जो इस प्रकार के तथ्यों को और प्रमाणिकता के साथ सामने पेश करेंगे, तब हम इसके बारे में आगे विस्तृत से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।